पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, शुक्ल जी का गायन आपने सुना। सीडी में मैं पहले सुन लिया था, बहुत से भजन आपके गाए हैं बाजा गाजा के साथ, लेकिन ये सादा ही सादा जितना गाए उतना ही बहुत महत्वपूर्ण रहा। पानी में मछली है और प्यासी है, ये आश्चर्य लगता है। पानी में प्यासी नहीं रहती। अन्योक्ति अलंकार में कबीर साहब ने बहुत कहा है, अनेक अलंकार हैं लेकिन अन्योक्ति अलंकार उनको बहुत प्रिय है। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ होता है अन्य उक्ति अलंकार, अन्य नाम दूसरा, उक्ति नाम कथन, अलंकार नाम शोभा, आभूषण ठाट बाट, रूपक कोई रखा जाता है वो ठाट बाट हो जाता है। कहते कुछ हैं अवर्थ कुछ रहता है। मीन और पानी शब्द साहब कहते हैं, अवर्थ है परमात्मा और आत्मा। आत्मा सदैव परमात्मा में है लेकिन परमात्मा के लिए वो प्यासा है, तो कहने में द्वैत लगता है कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, अलग नहीं है, खुद परमात्मा है, समझता नहीं। अगर आदमी तृप्त काम हो जाए तो क्या चाहिए, मन में पूरा संतोष हो जाए, कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा की क्या जरूरत है, फिर मोक्ष की क्या जरूरत है, स्वर्ग की क्या जरूरत है। अगर कुछ नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं, और कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है उसी को कहा जाता है परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिल गया, स्वर्ग मिल गया। एक स्वर्ग तो पौराणिकों का है जो नरक है, स्त्री पुरुष का आलिंगन का सारा श्रृंगार है उसमें, जिसको दुनिया भोग रही और रो रही है बस उसका उत्कर्ष रूप दिया गया है। यहां जवानी छीण हो जाती है, वहां जवानी छीण नहीं होगी। भारतीय परंपरा का स्वर्ग ऐसा है कि लाखों बरस उसमें जीव रह करके आनंद भोगेगा, जवान जवान रहेगा लाखों बरस तक। लेकिन भारत के बाहर जो स्वर्ग की कल्पना की गई है, दूसरे लोग किए हैं, वहाँ तो जब यहाँ से जाएगा तो 30 वर्ष की उम्र में वो रहेगा सदा, जैसे 30 वर्ष का जवान होता वैसे सदा रहेगा और खूब भोग भोगेगा। वेद में लिखा है, जहाँ स्वर्ग की बात आई है, कि आदमी निरंतर भोग भोगेगा लेकिन उसको एड्स की बीमारी नहीं होगी। यर्स शब्द नहीं है, लक्षण सब हैं, ये मैंने वेद में लिखा है, मूल में है तब लिखा है। तो यहाँ की अपूर्ण कामनाओं की भड़ास है स्वर्ग, यहाँ कामनाएं पूरी नहीं होती, थोड़े दिन में बूढ़ा गए और जवानी में भी इंद्रियां शिथिल हो गई, अपूर्णता अपूर्णता लगती, पसीना निकलता है, टट्टी पेशाब करना पड़ता है। स्वर्ग में जो रहेगा ना तो टट्टी पेशाब करना पड़ेगा ना पसीना निकलेगा। जो जो यहाँ खामियां हैं भोगों में, स्वर्ग में पूर कर लिया गया है, और सब कल्पना का विषय है। दो आदमी जा रहे थे, थक गए थे और भूखे थे, एक जगह बैठे, एक ने कहा भूख बहुत लगी, दूसरे ने कहा मुझे भी बहुत लगी। तो एक ने कहा चलाओ मन ही मन भुजा चबाया जाए, तब दूसरे ने कहा यार मन ही मन चबाना है तो मन ही मन में पूरी सब्जी क्यों ना खाई जाए। तो बस स्वर्ग की कल्पना, ऐसे मन ही मन में स्वर्ग की कल्पना। लेकिन जो आध्यात्मिकों का स्वर्ग है वह शांति है।
मोक्ष और स्वर्ग में फर्क नहीं है। जो आध्यात्मिकों का स्वर्ग है, होय बहिस्त जो चित न डोलावे, कबीर साहब ने कहा है, बहिस्त हो जाएगा अगर चित न डोला, बहिस्त स्वर्ग। मुसलमान भाई बहिस्त कहते हैं, हिंदू स्वर्ग कहते हैं, तो साहब उसी भाषा में कहते हैं, होय बहिस्त जो चित न डोलावे, अगर चित चंचल न हो तो बहिस्त हो गया, स्वर्ग हो गया। यह आध्यात्मिकों का स्वर्ग है। संत लाओत्जे ने कहा है कि जो स्वर्ग चाहता है वो कला नहीं करता है, जो स्वर्ग में रहता है वो कला नहीं करता है, और जो कला करता है उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। कला मन का क्लेश है, मन का विकार है। स्वर्ग, मोक्ष, परमात्मा, ये शब्द हैं। ये सभी शब्दों का अर्थ एक है, आत्मा को समझ लेना और आत्म शांति पा जाना। मैंने दोपहर में कहा था, नर हरि लाग दो विकार बिन इंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, पानी माहि पषाण को अंकुर जरत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न काहू जानी, शहर जरे पहरु सुख सोए कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे बस्तु निज उबरे बिकल राम रंग तेरा, कुबजा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गो खीसे ईतन रहत असादा, जान बूझ जो कपट करत है तेहि असमंद न कोई, कहें कबीर तेह मूढ़ को भला कवन विधि होई। तीन पंक्तियों पर मैं दोपहर में बोला था, नर हरि लाग, अय मनुष्य तू हरि में लग। नर उसे कहना चाहिए जो न रमण करे, नर न रमण करे विषयों में, भोगों में, दुनिया में न रमण करे, दुनिया मोह न करे, वो नर है। अय नर तू हरि में लग, हर जो विकारों को हरे वो सदगुरु है, सदगुरु की शरण में लग। अवंदतः आपका आत्मा हरि है, आत्मलीन हो। दो विकार बिन ईंधन, लेकिन तेरे अंदर में तो ईंधन के बिना विकारों की आग लगी है, दावाग्नि लगी है। तू हरदम मानसिक क्लेश में जलता है, क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, दिन में इस पर विस्तार से कहा था, इसलिए संक्षेप में कह रहा हूं। मैं जानता हूं ये तेरी आग तेरी लगाई है, तेरी बेवकूफी का परिणाम है जो चित्त में जल रहा है। अहंकार करता है, तमाम कामनाएं करता है, इसलिए तेरा चित्त जलता है। अहंकार छोड़ दे, कामनाएं छोड़ दे, चित्त की जलन खत्म हो जाएगी। भगवान की माया हमें भटकाती है, बहुत गलत धारणा है। भगवान कोई दुर्जन नहीं होता है। अगर आपके मोहल्ले और गांव में एक आदमी हो जो कटही कुतिया पाले हो और सब पर दौड़ा दे, सबको कटवाए, तो उस आदमी को आप लोग मिल करके समझाएंगे, नहीं मानेगा तो थाने में जाएंगे। और ईश्वर आज तक अपनी माया दौड़ा दौड़ा करके आपको कटवा रहा है, अब आप उसके लिए थाने में भी नहीं गए कि थानेदार से कहें कि महाराज ईश्वर से या तो पकड़ो ईश्वर को और बंद करो, या तो मिलो तो बताओ अपनी कटही कुतिया न दौड़ाए। ईश्वर का लोग मजाक करते हैं, ईश्वर की माया आपको नचा रही, ईश्वर क्या दुर्जन है, आपकी माया आपको नचा रही। एक युवक एक युवती से मोह करने लगा, नाजायज, ये किसकी माया है, ईश्वर की माया है कि युवक की माया है? आप तंबाकू खाने लगे, ईश्वर की माया है कि आपकी माया है? जितना गलत हम काम करते हैं वो हमारी माया, हमारा मोह है, ईश्वर की माया नहीं। लेकिन पंडित महात्मा गला फाड़ फाड़ करके कहते हैं भगवान की माया नचा रही है, भगवान की माया दुर्तया है, गरीयसी प्रभु माया गरीयसी। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं
अनिर्वचनीय है, ब्रह्म की माया अनिर्वचनीय, उसका निर्वचन कथन नहीं कहा जा किया जा सकता, ये सब बकवास है। न भगवान की माया है, न ईश्वर की माया, न ब्रह्म की माया है, आपकी माया है। आपकी माया आपको नचा रही है, अपनी माया को समझो। साहेब ने कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय परि मैं काहे कहूँ समझाए। मन और माया एक ही बात है, मन का मोह माया है, लेकिन तीन लोक पूरे संसार में ये भ्रम पड़ा है कि माया आकाश में है और ऊपर कूद पड़ती है। माया मन का मोह है, माया माया सब का है, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कही सोए। कहीं मोह कर लो तो चित्त पर चढ़ा रहेगा, और वैर कर लो तो चित्त पर चढ़ा रहेगा। मोह वैर दोनों जिसने छोड़ दिया वो भवसागर से पार हो गया। और ये बिल्कुल छोड़ना सरल है, भोग की लालसा, सम्मान की लालसा छोड़ो। ये सम्मान और भोग की लालसा हमसे पाप करवाती है। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, सारा संसार अपनी अपनी लगाई हुई आग में जल रहा है। पानी माही पशाण को रेखा, ठोकत उठे वे भूखा। पानी माहे अग्नि को अंकुर, जरत बुझावे पानी। पानी में आग का अंश है, गर्म पानी में आग का अंश है, लेकिन वो गर्म पानी भी आग को बुझा देता है, क्योंकि पानी शीतल है, आग तो उसमें प्रक्षिप्त है, पड़ा हुआ है। आप में दुख अज्ञान पड़ा हुआ है, आपका स्वरूप दुख नहीं है। क्रोध काम लोभ मोह आपके आत्मा में नहीं है, ये बनाए हुए हैं। इसलिए कामी आदमी काम को जीत लेगा, क्रोधी आदमी क्रोध को नष्ट कर देगा, रागत द्वेष में लिप्त इंसान रागत द्वेष से मुक्त हो जाएगा, मेहनत करे बस। पानी माहे अग्नि को अंकुर, जरत बुझावे पानी। ये पंक्ति इसलिए साहब आप कहते हैं कि आप घबराओ ना, आपका स्वरूप काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ये तो विकार है। कामी आदमी भी हर समय कामी नहीं होता है, अहंकारी आदमी भी हर समय क्रोध नहीं करता है। अगर आपका स्वरूप होता तो हर समय रहता हो, और वो प्रतिकूल न होता। किसी भी सत्ता का स्वभाव उसके लिए प्रतिकूल नहीं होता है। आत्मसत्ता का स्वभाव अगर मनोविकार होता तो आत्मा के लिए प्रतिकूल नहीं होता, लेकिन आत्मा के लिए मनोविकार ही जलन है, यही दावाग्नि है, यही नरक है। मनोविकार को जिसने जीत लिया वो नरक से ऊपर हो गया। और ये मनोविकार हमने बनाया अज्ञान से, भोगों की लालसा से, सम्मान की लालसा से मनोविकार बना डाला है। पानी माहि अग्नि को अंकर, जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौनारी, युक्ति न काहू जानी। तीन पंक्तियों पर मैंने विस्तार से कहा था, अब चौथी पंक्ति। एक न जरे जरे नौनारी, एक नहीं जलता है, नौनारी जलती है, नौनारियाँ जलती हैं। ये सब पहेली है, साहेब की बातें पहेलियों में है, रूपकों में है। अविधा लक्षणा और व्यंजना शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं। अविधा कहते हैं सरल शब्द से अर्थ जो प्रकट होता है, वो अविधा है। और लक्षणा है जो सरल शब्द से नहीं प्रकट होता, यानी शब्द से सरलता से नहीं प्रकट होता है, घुमावदार होता है, लक्षणा से उसका अर्थ लगता है। और तीसरा होता है व्यंजना, उसमें लक्षण भी नहीं लगते, व्यंजना लगती है, संकेत लगता है। शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं। वेदवाणी और कबीरवाणी अविधा में तो हैं, लेकिन लक्षण व्यंजना में बहुत हैं। इसलिए वेदों को समझने के लिए वेदों के मर्मियों का आधार पकड़ना चाहिए, और बीजक को समझने के लिए बीजक मर्मियों का आधार पकड़ना चाहिए।
या ऐसी टीका व्याख्या साफ हो तो उससे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में तो भेद जानना पड़ेगा। एक न जरे जरे नौ नारी, शरीर में बहुत नाड़ियां हैं लेकिन मुख्य नौ नाड़ियां हैं, पूखा, पयसनी, अलम्बसा इत्यादि नौ नाम हैं उन नाड़ियों के। ये नौ नाड़ियों से ग्रथित काया जलती है, नौ नाड़ी से अभिप्राय है, नौ नाड़ियों से ग्रथित काया ये जलती है, लेकिन एक न जरे वासना नहीं जलती है। आदमी जन्मता है, अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त करता है, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजरता है, दुनिया में उपलब्धियां उसको आती हैं और बहुत गदगद रहता है, मैंने ये पाया, वो पाया, वो पाया, चला ही पावे चाहे जो पावे, अगर उस साधना से नहीं है तो खुराफात पाता है, इस सब में राग द्वेष पाता है, मनोविकार की वृद्धि गुरु बाबा झाए झाए कर रहे हैं। तो क्या गुरुवाई है, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन मनोविकार में उलझे हैं तो क्या करेगा वो लिफाफा। दुनिया की सारी उपलब्धियों का परिणाम मनोविकार है, जब से जन्म लिए प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को पाए और उसमें राग पाए, द्वेष पाए, ईर्ष्या द्वेष, प्रतिक्रिया रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, यही सब पाए और क्या पाए। साहब कहते हैं शरीर कुछ दिन में समाप्त हो जाता है और जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, पारसी लोग जमीन पर रख देते हैं, जानवर खा लेते हैं, फुकंत लुटंत गड़ंत, ये तीन होता है, फुकंत फूंक देना, गड़ंत गाड़ देना, लुटंत जमीन पर छोड़ देना, पक्षी और जानवर लूट लिए, पानी में छोड़ देना, पानी के जानवर लूट लिए। तो नौ नाड़ियों से ग्रथित शरीर तो जलता है लेकिन एक न जरे, एक जो वासना है भटकाने वाली वो नहीं जलती है। और साधक का काम यही है वासना को जलावे, धीरे धीरे, एक लागे नहीं होगा, कोई घबराए ना, काम करना शुरू करना चाहिए, लोग काम नहीं करते, बहुत से लोग तो जानते ही नहीं हैं, जो जानते हैं करते नहीं, जो करते हैं ढील ढाल होके करते हैं, समर्पित होके नहीं करते। कितने साधक बड़े बड़ी तेजी से लगते हैं शुरू में, फिर ढीले हो जाते हैं, मोटे मोटे दोस्त नहीं रह गए, बस समझ लिए मंजिल मिल गई। अगर कोई चोरी हत्या व्यभिचार क्रूर कर्म करेगा तो उसका चित्त बहुत अशांत रहेगा, ये सब नहीं करता है, ईमानदारी से कमाता है और खाता है, तो उसको वो उपद्रव नहीं रहेगा, लेकिन मन का दुख नहीं दूर होगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह तो उसके मन में भी है, विषय वासना में तो डूबा ही है। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने लग जाए और साधना में लग जाए, विवेक वैराग में लग जाए, दया क्षमा शील सद्गुण धारण करने लग जाए तो उसका उतना दुख नहीं रहेगा, लेकिन पूरा दुख वहाँ भी मिटेगा नहीं। सूक्ष्म अहंता ममता अगर है तो ज्ञान वैराग बोध विचार की बातें धारण करने पर भी, दया क्षमा शील सत्य सदाचार में चलते हुए भी मन का सूक्ष्म क्लेश बना रहेगा। जब सूक्ष्म अध्यास उखड़ जाएगा, सारी अहंता ममता चित्त से जल जाएगी, तो आनंद कंद हो जाएगा। साहेब ने कहा है, दादा भाई बाप कलेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा कह दूं, भाई कह दूं, बाप कह दूं, मेरी बात मान लो। साहब फटकारना खूब जानते हैं और पुचकारना खूब जानते हैं, यहाँ देखो कितना पुचकार रहे हैं, दादा भाई बाप का लेखो चरण हुई हो बंदा, लेखो सदृश समान मानना, मैं तुम्हें दादा मानता हूँ,
भाई मानता हूँ, बाप मानता हूँ, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर सकता हूँ, एक बात मेरी मान लो, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, अब की बार पुरिया का निर्वार कर दे, गांठ खोल दे, एक गठरी तोड़ दे, तो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। अब की बार ये मानव जीवन जो है इसी में पुरिया का निर्वार कर दो, गांठ खोल दो, अहंकार की गांठ बधी है, देह मिट्टी का लौंदा है, टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी की झोपड़ी है, विकारों का घर है, रोगों का घर है, उद्वेगों का घर है, शत्रु बाहर नहीं इसी के अंदर शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे सघन शत्रुओं के बीच में रह रहे हो और होश नहीं है, बल्कि शत्रुओं के अनुकूल ही काम कर रहे हो, मनोविकार बढ़ा रहे हो, अपने को समझो, नहीं समझते हैं। सामान्य सदाचार में संतुष्ट हो गए तो मानसिक दुख बिल्कुल मिटेगा नहीं। साहब कहते अब की पुरिया जो निर्वार है, अब की बार जो पूरी पुरिया गठरी खोल दे, सदा आनंदित हो जाए। ये मन की गांठ कॉम्प्लेक्सस, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कॉम्प्लेक्सस, कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाओ, मनोग्रंथ रहित हो जाओ, मानसिक ग्रंथ को तोड़ डालो। श्रुत वचन है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति अस्मृत लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। इस सनत कुमार ने नारद को लंबे उपदेश के बाद कहा है, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर सत्य शुद्ध होता है। आहार का अर्थ होता है जिसका हम आहरण करें, आहरण का अर्थ होता है खींचना, लेना, ग्रहण करना। मुख से जो खाते हैं मुख का आहार है, और कान से जो सुनते हैं कान का आहार है, और नाक से जो सूंघते हो नाक का आहार है, जीभ से चखते हो जीभ का आहार है, त्वचा से जो छूते हैं वो त्वचा का आहार है। इस प्रकार आँख नाक कान जीभ चाम, इन पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं ये सब आहार हैं, और मन से संकल्प विकल्प ग्रहण करते हैं ये उसका आहार है। इन छह आहारों का अगर हम शुद्धिकरण कर लें तो सत्व शुद्धि ही, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ठीक देखो, ठीक सुनो, ठीक सूंघो, ठीक छुओ, ठीक चखो, ठीक सोचो, बस गंध कट जाएगी। भजन यही है, अल्लाह राम कहना आपका विचार है, नमाज पढ़ना पूजा करना आपका विचार है, करो बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं करोगे, नमाज पढ़ते रहोगे और पूजा करते रहोगे, नाम जपते रहोगे, दुख में बने रहोगे। असली भजन है ये मन की ग्रंथि को तोड़ना। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहरण जो हम आहरण करते हैं वही आहार है, वो सब शुद्ध हो जाए तो सत्य चित्त शुद्ध हो जाएगा। सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, सत्य जिसका शुद्ध हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, उसकी स्मृति ध्रुवा हो जाती है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है, चंचलता की कोई जरूरत नहीं, कुछ खिंचाव नहीं। साहब साधो ये मुर्दों का गांव, साहब ने कैसा गाया, कैसा लाठी मारा है, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। उन्होंने तो कहा कि मरी हैं वैद्य और रोगी, रोगी नहीं मरेंगे वैद्य भी मरेंगे, सबको उन्होंने कहा, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। अंत में उन्होंने कहा नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजा तत्व न हुई, कहें कबीर सुनो हो संतो भटक मोह जनि कोई। नाम और अनाम में अनंत संज्ञाएं हैं, तत्व वस्तुएं हैं, कार्य पदार्थ हैं, प्रकृति से समस्त कार्य पदार्थ निर्मित होते हैं, उनमें कुछ के नाम होते हैं कुछ के नाम नहीं होते हैं।
आदमी जहाँ पहुँचता है समझता नाम देता, बाकी अनाम रहता है। लेकिन नाम अनाम जितना है सब प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति का विकार है, कुछ उसमें तत्व नहीं जो आपको मिले। दूजा तत्व न होई काहे कबीर सुनो हो संतो भटक मोह जन कोई। ये दुनिया के कार्य पदार्थों में भटक के मरो मत, कारण और कार्य का प्रवाह है, मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय प्रकृति है। जड़ प्रकृति से समस्त निर्मित पदार्थ उपस्थित होते हैं और वो सब नाम अनाम रहते हैं, अब उन्हीं में हम अपनी को भटकाते हैं, अपनी तरफ देखते ही नहीं हैं, चकमक बाहर देखे बस भूल गए और सारी चमक दमक झूठी है। नर नारियों की चमक, मकानों की चमक, रेगिस्तान की चमक, बर्फीली जगह की चमक, वनों की चमक, आकाश की श्यामता की चमक, बादलों की चमक, रुपए पैसे की चमक, बिजली की चमक, जितनी चमक है ये सब अंत में प्रकृति का विकार है और सब मिट जाता है और इसी में भटक भटक करके हम लोग मरते हैं। अपनी तरफ लौटो, जब अपनी तरफ लौटोगे तो चमक दमक फीका हो जाएगा, सब व्यर्थ लगेगा। वेद के ऋषि ने भी कहा, हिरणमयन पात्रेण सत्य सापितम मुखम तत्त्वम पूषण पावण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरणमयन पात्रेण, हिरणमय पात्र से सत्य सापितम मुखम, सत्य का मुख अपहित है। हिरण सोना को कहते हैं, सोना जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख अपहित है, ढका है। अर्थ है कि दुनिया की चमक दमक से आत्मा का स्वरूप ढका है। ये भी अन्योक्ति अलंकार में कि कबीर वाणी और वेद वाणी दोनों अलंकारों में है, बुझव्वल में है, लक्षण और व्यंजना में है। सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका है। सोना जैसे चमकता बर्तन क्या है? ये दुनिया की चमक दमक। सोने का मृग देख करके सीता जी लुभा गई, राम जी से कहीं तो राम जी कमर कस लिए उसको लाने के लिए। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता है, ये धोखा है। कहना ही सीता का बहुत मन है, इसको जिंदा या मार करके लाऊंगा। और परिणाम क्या हुआ? थोड़े समय के बाद सीता रावण के पंजे में फंसी रोती रही और राम बन बन रोते रहे। स्वर्ण मृग के भ्रम में पड़ करके राम और सीता बहुत दुखी हुए। ये चाहे रूपक हो, राम सीता ऐसा न दुखी हुए हों। राम बहुत समझदार थे, बहुत त्यागी भाव थे वाले थे। उन्होंने राज्य को तृण के समान छोड़ दिया था तो स्वर्ण मृग के पीछे क्यों दौड़ेंगे? मैंने रामायण रास में लिखा है, ये रूपक कथा बनाने के लिए है, क्योंकि उसमें जो वर्णन है कई घंटों का वर्णन है। और हकीकत क्या है कि जब उसको बाण लगता है मृग को तो कहता है हाँ सीते हाँ लक्ष्मण, तो सीता और लक्ष्मण दोनों कुटिया में सुन लेते हैं। तो इसका मतलब एक दो बीघा पर होगा, 100-200 गज पर, तो राम तो आ जाएंगे झट से। लेकिन 2-3 घंटे की सामग्री उसमें है और ज़्यादा है, वो सब यहाँ कहने का अवसर नहीं है। तो रूपक है, लेकिन राम और सीता जैसे बड़े लोग भी सोने के मृग में भूले तो दुख पाए, रोना पड़ा। हम लोग भूलेंगे तो क्या होगा? हम सब सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर दुनिया की चमक दमक में हम आकर्षित हैं तो सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं। सोने का मृग कहीं होता ही नहीं है और हमने सोने के मृग के पीछे अपने को खो दिया है। धोखा, उम्र सब धोखे में बीत गयो। तो
सत्यस्यापहितं मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है चमक दमक से। तत्त्वं पूषन पावीरणो, तत् त्वं पूषन अपावीरणो, तत् उसे, त्वं तू, पूषन पोषण करने वाला आत्मा, अपावीरण हटा दे। अयात्मा, तू ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला है, ये चमक दमक को हटा दे। चमक दमक झूठी जवानी, चार दिन की चमक, फिर ढीला ढाला, जितने इसमें बूढ़े बैठे हैं सब जवान थे और चमक रहे थे, अब बेचारे जुआ हारे हुए जुआरी की तरह बैठे और जवान भी हंसे ना, उनकी भी दशा ही होगी रहो रहो रे बैलवा तोरो गौनवा आई, यहाँ तो सब इसी क्षेत्र के लोग बैठे हैं, ज़्यादा समझ गए होंगे। एक बैल था बैठा दरवाजे पर और एक नौजवान का गौन आया था, तो मक्खी मारता था, मक्खी बैठे तो उसको मार दे, और बैल पागुर करे जुगाली करे तो समझे कि मुझे बिराता है, व्यंग करता है मुंह घुमा घुमा कर, तो उसने गाली दिया बैल को, रहो रहो रे बैलवा तोरो गौनवा आई, जब तोर गौन आई तो तू भी मक्खी मारेगा वो समझता था बैल का भी गौन आता होगा तो इस दुनिया में सबका गौन आना है, बूढ़ा होना है या बूढ़ा होने के पहले मर जाना है। तो तुम पूषण पारायण, पूषण का अर्थ है सूर्य, वो सबका पोषक है, पृथ्वी से जल खींच करके आकाश में ले जाता है फिर बरसाता है, इसलिए पूषण उसको कहा गया है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में पूषण आत्मा है, सारे ज्ञान विज्ञान का पोषक है। तत्त्वं पूषन पावीरणो, ऐ पूषण, ऐ ज्ञान विज्ञान का पोषक आत्मा, तो ये चमक दमक को दिमाग से हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म को देखने के लिए। सत्य है आत्मा और धर्म है मन की शांति। आत्मा को समझ लो और शांति ले लो, बस बेड़ा पार। बात तो थोड़े में हो गई, लेकिन उलझे हुए हैं अहंकार कामना में। अहंकार कामना को जीते बिना कोई शांति नहीं पाएगा। काम करना शुरू करो, मेहनत करो, जितना तेज चलोगे जल्दी पहुंचोगे। तो सदगुरु कहते हैं, एक न जरे जरे नौ नारी, एक नहीं जरता है, नौ नाड़ी जलती है, नौ नाड़ियों से ग्रथित काया जल जाती है। मन मरे न माया मरे, मरी मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कथि कहें कबीर। न मन मरता है, न माया मरती है, न आशा तृष्णा मरती है, शरीर मरता है तो क्या फायदा? शरीर रहते रहते मन माया आशा तृष्णा मर जाए तो फिर अमृत हो जाए। बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं देखना होता है, ये बहुत तथ्यपूर्ण है। मर जाओ अमृत हो जाओ, ये भयदायक शब्द है। गृहस्थ लोग कहते, महाराज ये शब्द न कहो, मरने वाला न कहो और कुछ कहो, विवाह की याद कराओ, जन्मदिन की याद कराओ। जन्मदिन लोग आज बहुत मनाते हैं और धनी लोग विवाह दिन भी मनाने लगे हैं। बड़े बड़े शहरों में करोड़पति लोग विवाह दिवस मनाते हैं। 85 वर्ष का एक बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था तो लोगों ने कहा कि ये मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? मृत्यु की याद करनी चाहिए। मृत्यु का दिन हमारे लिए उत्सव का दिन बनना चाहिए। मृत्यु का दिन जिसके लिए उत्सव का दिन हो गया, वो अनंत जीवन पा गया। मृत्यु का दिन, उत्सव का दिन कब बनेगा? जब हम आत्माकार हो जाएंगे, स्वरूपाकार, सदैव शुद्ध बुद्ध चैतन्य मैं हूँ, मेरा परम ऐश्वर्य है असंगता, अकेलापन। आप अकेले हैं, चाहे जितना झमेला बटोल लो, सब खारिज होना पक्का है। जवाहरलाल जहाँ जाते थे, महात्मा गांधी जाते थे, लाखों की भीड़ होती थी,
लेकिन अंत में क्या रहा। जवाहरलाल बीमार पड़े, शरीर छोड़ दिए, महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। गोली मारने के पहले ही वो बहुत कष्टित थे, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे में बहुत लोग मारे गए थे, उससे पीड़ित थे। और उधर कांग्रेसी नेता ही उनकी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि महात्मा थे और नेता राजनीति में थे, नेताओं की भी अपनी मजबूरी थी। इस संसार पीड़ा का घर है, जो अहंकार ममकार छोड़ देता है वो जीवित मृतक वही कहा जाता है। देह को जो अलग हरदम देखता है, देह को अपनी लाश के रूप में देखता है, ये चलती फिरती लाश है। और मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, आप अकेला हैं, अद्वैत हैं, केवल हैं, ब्रह्म है, राम है, खुदा है, गॉड है, जो भी शब्द कहना चाहो, आप में चरितार्थ होगा और कहीं चरितार्थ ना होगा। कहते रहो, बाहर खोजते रहो, भटकते रहो, आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है। इस चीज को ठीक से समझो। सत्संग में तो ऐसे कह दिया गया, जो जानते हैं उनको तो याद हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं इतने में समझ में नहीं आएगा, उनको सत्संगियों से समझना चाहिए, अब ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मैं भी कभी नहीं जानता था, भगवान की पूजा करता था, राम कृष्ण विष्णु शिव ये चार की उपासना मैं करता था और चारों मेरे परम प्यारे थे। वैसे मैं शिव भक्त था, शिव मंत्र लिया था, लेकिन चारों प्यारे थे। सहज रूप में मानता था कि मैं देह नहीं हूँ, जीव हूँ, आत्मा हूँ, बोध नहीं था। पारखी संत मिले, सन 1950 की बात होगी, 50-51 के बीच में मुझे इसकी समझ हुई और धीरे धीरे समझ हुई। वैसे सारी बातें 3 महीने में हमारा समाधान हो गया। सगुण उपासक और भगवान के लिए अकेले में रोना, जप करना, ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र और राम नाम मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। मैं सुमरणी पर जपता था और बड़ी माला पर जपता था। जपते जपते मेरी उंगलियों में घट्ठे जैसे हो गए थे। उस उम्र में 18 बरस की उम्र में तो कबीर साहब को बोध मिल गया। 18 बरस की उम्र के पहले की बात मैं कहता हूँ। इतना अनुराग, रात दिन कहीं रहूँ, खेत में रहूँ, घर में रहूँ, किसान के घर में जन्मा था गाँव में, तो कहीं भी रहूँ अनुराग चढ़ा रहा है। उसी बीच में पारखी संत मिले, पहले तो भक्त मिले, एक भक्त रहे, उत्थवई का काम करे, कुछ टूट फूट बनाने आवे, पारखी रहे, लेकिन ज़्यादा बता नहीं पावे, व्यंग करे हमारे ऊपर। मैं चंदन, शव चंदन लगाऊं और एक हाथ लंबी चोटी मेरी रहे और गोखुर बराबर खूब भारी भरकम बांध के रखूं, तो व्यंग करे हमारे ऊपर कि अरे जब समझोगे सत्य तब पता लगे, कबीर साहब को समझो, तो हम कहें कबीर साहब क्या बताते हैं, तो बता नहीं पावे, लेकिन व्यंग करे मेरे ऊपर और उसका व्यंग मुझे अभी भी प्रिय लगता है। ऐसे व्यंग मिले मुझे और संत मिले, बताए, सदगुरु मिले, समझ हुई। आप भी रास्ते चलें, समझें, जीवन का लक्ष्य यही है, अपने को पहचानो। भारतीय परंपरा में जो अध्यात्म का तत्व बताया गया है, मूल रूप में आत्म तत्व को बताया गया है, परोक्ष उपासना पीछे की है। और अभारती संतों में भी अंत में वही सूफी संत यही कहते हैं। सूफी संत सदैव अपनी तरफ लौटने कहते हैं। तो एक नजरे जरे नौ नारी, नौ नाड़ियों से ग्रथित काया जलती है लेकिन वासना नहीं जलती, इसलिए जीव फिर भटकता है। अगर दुनिया में वासना रही तो देह छूटने के बाद फिर दुनिया में आओगे,
दुनिया की सारी वासनाएं जिसकी खत्म हो गई, तो देह में रहते रहते सब खत्म हो गई, तो मृत्यु का दिन उसके लिए उत्सव का दिन है, सारा दुख वहाँ खत्म है। जीवन मुक्तों को भी जब तक देह है तब तक ठंडी गर्मी भूख प्यास अनुकूल प्रतिकूल शरीर का प्रपंच ढोलना पड़ता है, लेकिन जब देह भी छूट गई तो सब क्लेश खत्म हो गया। जीवन मुक्त के लिए शरीर केवल बोझ रूप है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है जब तक है चलता है। मृत्यु का दिन तो सारे दुखों का अंत है, मानसिक दुख पहले खत्म हो गया है, अब देह का प्रपंच है छूट जाए, अनंत शांत, वो अनंत को देखता है, मोक्ष अनंत है, वो कभी बिछुड़ने वाला नहीं है, अनंत मोक्ष को देखो तो मृत्यु प्रिय लगेगी। और उस दरवाजे से निकलना है, बच नहीं सकते, दूसरा दाएं बाएं कोई दरवाजा नहीं है, मृत्यु के दरवाजे से निकलना है। और पहले मोह छोड़ दो तो कितना आनंद है, नहीं छोड़ोगे तो फिर बंध के आओगे, इसलिए काम करो। एक न जरे जरे नौनारी युक्ति न काहू जानी, शहर जरे पहरु सुख सोए कहे कुशल घर मेरा। शहर जल रहा है और पहरेदार सुख से सोते हैं, पहरेदारों से कोई कहता है नगर में आग लगी है, पहरेदार कहते नहीं कुशल है, सब मंगल है, कोई परेशानी नहीं। ये व्यंग है साधकों पर, साधक हैं भक्त हैं साधु हैं महात्मा हैं गुरु हैं, लेकिन मानसिक क्लेश में दुखी हैं। तो शहर तो जल रहा है, हृदय शहर में आग लगी है, कहते नहीं सब कुशल मंगल है, एक दूसरे से मिलते हैं कहते भैया राम 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 राम, कुशल मंगल खूब चकाचक है, और क्या कहें बेचारे, कहना पड़ता है, चकाचक कहाँ है। अगर मन में विकार है तो चकाचक कहाँ है, मन में ईर्ष्या है द्वेष है क्लेश है क्रोध मोह लोभ है, तो चकाचक कहाँ है। जब मन निर्मल हो तब चकाचक है, निर्मल मन जीवन की परम उपलब्धि है। शहर जरे पहरू सुख सोए कहे कुशल घर मेरा, हृदय रूपी शहर में मनोविकारों की आग लगी है और सब जीव जल रहे हैं, लेकिन साधक कहते हैं कि हमारा घर कुशल मंगल है, साधना चल रही है ऊपर ऊपर, मोटी मोटी साधना थोड़ा कर लिए, मोटे दोष नहीं है, इतने में वो कृतार्थता मानते हैं, अंदर झांक करके देखते नहीं। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे बिकल राम रंग तेरा, साहब कहते पुरिया जरे तो वस्तु निज उबरे, यहाँ भी वही पहेली है। पुरिया कहते गठरी को, एक गठरी रखी है, कहने वाला कहता है इस गठरी में आग लगा दो, ये गठरी अगर जल जाएगी तो इसके अंदर रखी हुई वस्तु बच जाएगी, अब अगर आग नहीं लगाई गई तो वस्तु बचेगी नहीं। ये कितनी उल्टवासी है, आपको बकवास लगेगी, बकवास कबीर बकवास करते हैं, लेकिन कबीर बकवास नहीं करते हैं, सुनने में उल्टवासी है समझने में सरल है, समझ जाए तो। पुरिया गांठ अहंकार की गांठ है, अगर अहंकार की गांठ जल जाए तो निज वस्तु उभर जाए, आत्मा का उद्धार हो जाए। हम अहंकार की गांठ में फंसे हुए हैं। कहा जाता है एक कलाकार था, मूर्ति बनाता था, बेचता था, वही उसका पेशा था, और 90 वर्ष का हो गया था, तो उसने सोचा कि अब तो मरना है, मौत आ जाएगी, तो अपनी शक्ल में उसने 100 मूर्तियां बना ली, और मूर्तिकार था तो इसलिए वैसा हाल बनाया था बड़ा सा, जिसे मूर्ति उसमें रखे और लोग आए पसंद करके ले जाएं, तो मूर्तियां अपनी शक्ल में उसने 100 मूर्तियां बना करके खड़ी कर दी, मौत आई तो जा करके उसी में खड़ा हो गया। अब मौत को बड़ी परेशानी, एक ही शक्ल में 100, मौत लौट गई यमराज के पास, कहे महाराज वो तो 100 खड़े हैं किसको मैं लाऊं,
तो यमराज ने मौत के कान में कुछ युक्ति बता दी, तो मौत चली अपने शागिर्दों को लेकर, फिर कलाकार उसी में खड़ा हो गया। मौत घूमते घूमते मौत ने कहा, वाह ऐसी कलाकारी, इतना सुंदर मूर्तियां आए तो मालूम होते जैसे बोल देंगी। तो उसके एक शागिर्द ने कहा, हुजूर लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। कलाकार ने कहा, क्या खामी है? कहा, पकड़ो पकड़ो, यही है यही है। कलाकार को अहंकार जग गया। अहंकार को कुरीदने के लिए यमराज ने बताया था मौत को कि इस ढंग से करना, हमारा अहंकार हमें पकड़ा देता है। किस चीज का अहंकार है? जब शरीर अपना नहीं है तो पद अपना है, धन अपना है, मकान अपना है, जमीन अपनी है, रुपए पैसे अपने हैं। धीरू भाई अंबानी ने खूब मोबाइल का प्रचार किया लेकिन मरते समय एक मोबाइल भी नहीं ले जा सके। चाहे जितना कोई धन जोड़े इकट्ठे कर, जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब शरीर अपना नहीं है तो कौन सी वस्तु अपनी है? किस चीज का अहंकार है? अहंकार एक मूर्खता है, महामूर्खता है। हमारी मूर्खता नष्ट हो, ग्लानि होनी चाहिए। अपने दुख से जो दुखी होता है वही दुखों से मुक्त होता है। और सामान्य व्यक्ति क्या, साधकों में यह दोष होता है, दूसरे के दोष देखने के चक्कर में, क्योंकि पक्के साधक नहीं है। अपने दोष को जो निरंतर देखता है वो दोषों से मुक्त हो जाता है। अगर रास्ते में सांप दिखाई दिया तो उस पर हम पैर कैसे रखेंगे? हट जाएंगे। टट्टी दिखाई दी तो हम हट जाएंगे। अगर दोष अपना दिखाई दिया तो निश्चित ही हट जाएंगे। हम अपने दोष को प्री मानते हैं, इसीलिए उसमें फंसे हैं। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। साहब कहते हैं, अहंकार की पुरिया जल जाए तो निज वस्तु उबर जाए। विकल राम रंग तेरा, अय राम तेरा रंग विकल है। कबीर साहब इंसान को राम कहते हैं। उन्होंने कहा है, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तैं तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तोय। अ इंसान, तेरे दरवाजे पर राम जी खड़े हैं, वो कहते हैं मिलो कबीरा मोह, अय कबीर अय लोगों आकर के मुझसे मिलो। राम दरवाजे पर आ गए हैं और खड़े हैं और कहते हैं अय कबीर। कबीर वह अपना नाम सर्वनाम में कर देते हैं सभी लोग। अय लोगों, राम जी कहते हैं दरवाजे पर आकर के कि तुम लोग आकर के मुझसे मिलो। तो घर वाले ने कहा, महाराज साकेत लोग से इतनी दूर आ गए, अब दो कदम कमरे में नहीं आ सकते हो? तब राम ने कहा, तैं तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो ही, तू तो सब में मिला हुआ है, मैं तेरे को नहीं मिलूंगा, अब जा रहा हूं। इतनी दूर से आया, साकेत लोग से इतनी दूर आ गया और तू चार कदम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है जो जीव झांक न उपजे कहा पुकार कबीर। अगर जीव में झांकी प्रेम नहीं उत्पन्न होती तो पुकारने से क्या होगा? तो राम जी चले गए। ये रूपक है, अभिप्राय है, तुम्हारे द्वार पर राम जी खड़े हैं और कहते हैं मिलो, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते। खुद राम आपका आत्मा है और उससे नहीं मिलना चाहते हैं, और जो गंदी चीजें उससे मिलना चाहते, तमाकू से मिलना चाहते, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, अंडा से, मांस से, कलह से, राग द्वेष से, लड़ाई झगड़ा से, बेईमानी बदमाशी से मिलना चाहते हैं, राम से नहीं मिलना चाहते हैं। और राम आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो आपका आत्मा है। कथन सदैव द्वैत में होता है, इसीलिए भ्रम होता है। लेकिन मर्मी लोग जानते हैं कि कथन को कोई पकड़ेगा तो नहीं समझ पाएगा। कथन से इशारा समझना चाहिए। राम जी सबके दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन राम जी कहते हैं तैं तो सब में मिल रहा, तो सब में मिला है, पत्नी मिला है, पत्नी मिली है,
बच्चे में मिला है, धन में मिला है, राग में मिला है, द्वेष में मिला है, घर द्वार में मिला है, मिला मतलब मोह कर रहा है, तो सब में चिपका है, तो मैं कैसे मिलूं? मैं तो तेरे दरवाजे पर हूं, तो सबकी आसक्ति छोड़ दे, बस मिल जा। ये सब का अर्थ है कि राम आपका आत्मा है, लेकिन आप उससे मिल नहीं पाते हैं। जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौरुफ न हुआ। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है, रूह आत्मा, जिस्म शरीर, ये दोनों का संबंध अद्भुत है। जिंदगी भर साथ रहे, जीवन भर साथ रहे लेकिन तौरुफ न हुआ, परिचय नहीं हुआ। देह और आत्मा साथ साथ पूरा जीवन, 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष, जयपुर के एक मियाँ जी 138 वर्ष जिए, अब मर गए गत वर्ष। तो जिंदगी भर साथ रहे आत्मा और देह, लेकिन तौरुफ न हुआ, परिचय नहीं हुआ। तो द्वारे तेरे राम जी, राम जी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। वो कहते हैं मिलो कबीरा मोह, ऐ लोगों मुझसे मिलो। लेकिन जब आदमी आलस करता है तो कहते भाई तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो है। तो सबका मिलना छोड़ दे तब मैं मिलूंगा। राम हठीला है, वो चाहता है सब छोड़ के मिलो तब मैं मिलूंगा, और कुछ पकड़े रहोगे तो नहीं मिलूंगा। कुछ पकड़े रहोगे तो नाचना अच्छा नहीं बनेगा। एक जुलाहिन थी, उसके मित्र जुलाहिन एक और थी, बाजार से लौटी थी, तो कई महीने के बाद मुलाकात हुई। तो जुलाहिन सूत की आंटी बना बना करके एक टोकरी में रखी थी, वही आंटी बना रही थी कपड़ा बुनने के लिए। तो उसका उसने स्वागत किया और कहा बैठो, मैं जल लाऊं पिलाऊं, मिठाई लाई जल लाई। तो आंटी बड़ी सुंदर सुंदर लगी, तो जुलाहिन ने जो आई थी वो एक आंटी निकाल करके अपने कांख में उसने दबा लिया, चुरा लिया। मित्र जुलाहिन की एक आंटी चुरा करके अपने कांख में दबा लिया। जो मिठाई पानी लेकर के आई, देखी तो उसको लगा कि मेरी एक आंटी चुरा गई, और इसी ही इसने लिया होगा और कोई नहीं। लेकिन अब सखी से कैसे कहे? तो कही सखी जी बहुत महीने पर हम मिले हैं, आओ हम दोनों नाचें। तो अब वो बहुत कही तो नाचना पड़ा, लेकिन वो कांख में दबाए रहे। तो कहे कि बहन जी दोनों हाथ खोल करके नाचो। तो कहे बहन जी मैं एक एक हाथ खोल पाती हूँ नाचने में। तो अब कैसे खोले, वहाँ तो चोरी है। जब तक हमारे मन में कुछ रहेगा संसार, तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी तो मिला मिला है, आपका आत्मा है, लेकिन मन में तो संसार बसा है, तो राम कैसे बसे? अभी एक साधक ने पूछा था मुझसे निवास पर कि आत्मविस्मृत क्यों होती है, हम अपने आत्मा का स्मरण क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि दुनिया के गोरख धंधे में भूल जाते हैं। एक खिलौना, जो खिलौना मिला है प्राणी पदार्थों का, इसी में भूल जाते हैं। और एक खिलौना झूठ है, राम सच है, आपका अस्तित्व सच है। आप इस पर ध्यान दो, आप भटको मत, राम और खुदा बाहर न पाओगे। वो आपका आत्मा है, आपका स्वरूप है, आपको पाना नहीं है, समझना है और रुकना है। बाहर की मंजिल चल के मिलती है, भीतर की मंजिल रुक के मिलती है। संत लाओ त्से ने कहा है जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, जो नहीं करता उसका पूरा पड़ता है। करने वाला क्यों करता है? कुछ जानने और पाने के लिए। और जितना हम जानते हैं अपूर्ण है, और जितना पाते हैं अपूर्ण है। चाहे जितना धन पा जाए तो भी कमी लगी रहती है। जो नहीं करता उसका पूरा होता। नहीं करने का मतलब है संकल्प शून्य हो जाना, इच्छा शून्य हो जाना। जो इच्छा शून्य हुआ पा गया, सब तृप्त हो गया। कबीर साहब गुजरात 4 बार गए हैं, वहाँ पर नर्मदा उत्तर से दक्षिण बहती है,
और दक्षिण बह करके पश्चिम जा करके समुद्र में गिर जाती है। तो जहाँ वो उत्तर से दक्षिण बहती है, दाहिने तरफ यानी पश्चिम तरफ शुक्ल तीर्थ है और बाएं तरफ कबीर बड़ा है। तत्ता जीवा नाम के दो ब्राह्मण बंधु वहाँ रहते थे कबीर साहब जमाने में, वो कबीर साहब के भक्त थे। एक बार जब वहाँ बहुत दिन रह करके चलने लगे साहब, तो तत्ता जीवा दोनों भाइयों ने उनके पैर पकड़ लिए, कहे महाराज हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रहें, हम सेवा करेंगे। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुँह झुको, छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा अगर तुम मुझे चाहते हो तो सब की कामना छोड़ दो और मैं जैसे निष्काम हूँ ऐसे तुम भी हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे प्यास पास है। साधु के पैर में चक्के लगे रहते, वो घूमता रहता बैठता नहीं, मैं चल रहा हूँ। तत्त्व जीवा ने कहा महाराज आप चले जाएंगे बनारस, हम रहेंगे समुद्र के किनारे, हम कैसे कल्याण होगा। तो साहेब ने कहा जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुन्दर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु भले बनारस में रहें और शिष्य समुद्र के पास है, लेकिन शिष्य के हृदय में जो गुरु का प्रेम है और बोध है वो तो भूलेगा नहीं। अगर गुरु के बोध को भूल गए तो सब बेकार गया। तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अपना काम करना है। अंत में गुरु भी रास्ता बता के हट जाएगा, आपका बेड़ा आपको खुद पार करना पड़ेगा। गुरु परोक्ष रूप में बताता है, तटस्थ रूप में बताता है। तटस्थ का मतलब है तट पर स्थित, नदी के तट पर व्यक्ति बैठा है वो तटस्थ है, और कोई तैर रहा है वो बता रहा है ऐसा तैरो, स्वयं तैरना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान अपने मन का दृष्टा है, मन में सारे विकार ही बंधन है, मेरे लिए नरक है, और उन्हें हमें ही धोना है, दूसरा कोई नहीं धो सकता है। गुरु केवल रास्ता बताएगा। गुरु मोक्ष देते हैं उसका अर्थ एक सीमा में है, वो बताते हैं रास्ता, न बताएं तो क्या मिलेगा मोक्ष। गुरु का उपकार अनंत है। अभी शुक्ल जी ने गाया नहीं, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। तो गुरु का उपकार अनंत है, लेकिन अंत में करना पड़ेगा, खुद बता देंगे वो बस। शहर जरे पहरू सुख सोए कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे बस्त निजुबरे बिकर राम रंग तेरा। ऐ राम तेरा रंग विकल है, तू राम है ब्रह्म है लेकिन तू विकल है, रंग नाम भाव विकल नाम अशांत। कल कहते हैं कोमलता को, पक्षी कलरव कर रहे हैं मधुर ध्वनि कर रहे हैं, कल मधुरता मिठास, विकल कड़वाहटपन पीड़ा संताप। विकल राम रंग तेरा, अय राम तेरा भाव विकल है, क्योंकि दुनिया में आसक्त है, झूठी चीजों में आसक्त है। जितना हम दुख मानते हैं केवल झूठ का सब मामला रहता है और कुछ नहीं। विकल राम रंग तेजा, कुब्जा पुरुष गले के लागा पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहत असादा। सगुण उपासकों और परोक्ष उपासकों पर व्यंग करते हुए साहब कहते हैं कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा। कुब्जा पुरुष नपुंसक पुरुष, कुब्जा कहते हैं जिसके पीठ में कुब्बड़ हो, और कुब्जा कहते हैं नपुंसक को, यहाँ नपुंसक अर्थ है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा, एक युवती का पति नपुंसक है तो उस ज्योति को संतोष उससे नहीं हो सकता है। आप कुब्जा पुरुष के पास साथ पड़े हैं, जो बोध न दे सके समझा न सके रास्ता न दिखा सके, ऐसी उपासना कर रहे हो। जिसकी उपासना कर रहे हो वो बोल नहीं रहा है। शून्य की उपासना करते हो, आकाश में ताकते हो, वो बोध नहीं देता है। मिट्टी की पिंडियों के सामने नाक रगड़ते हो, वो बोध नहीं देता है। कुब्जा पुरुष के गले लगे हो, श्रद्धा पूरी नहीं होगी।
जो बोले नहीं, डोले नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, आपको क्या ज्ञान देगा? ये व्यंग है साहब का। कुब्जा पुरुष गले क लागा, पूजन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहता सादा। विचार करते करते जन्म घिस गया, साधना करूंगा, मोक्ष लूंगा, शांत लूंगा, परमानंद प्राप्त करूंगा, भगवत प्राप्त करूंगा, विचार करते करते जन्म घिस गया और ईतन रहत असाधा, ये शरीर असाध रह गया। वैसे क्रोध, वैसे काम, वैसे लोभ, वैसे मोह, वैसे ईर्षा, वैसे चिंता, वैसे प्रतिक्रिया, वैसे मन का द्वंद्व, निरांत शांत अमृत अगाध अमृत में स्थित होना केवल शब्द में रह गया। ईतन रहत असाधा। जानबूझ जो कपट करते हैं ते संबंध न कोई, कहें कबीर ते मूढ़ को भला कवन विधि होई। जो जानबूझ करके कपट करता उसके समान मंद कौन होगा? ऐसे मूर्ख आदमी का कल्याण कैसे होगा? हम लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, जो धोखा खा रहे हैं, कब तक धोखा खाएंगे? कब तक आपका यहाँ आकर रहना है? आज काल दिन कैक में स्थिर नाही शरीर, कहें कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। आज कल या कुछ दिनों में ये शरीर स्थिर नहीं, जाने वाला है। कांचे मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कब तक भरे रखोगे? दस द्वारे पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को आश्चर्य है जात अचंभो कौन। रहबे को रहने में आश्चर्य है, उड़ गया तो क्या पता क्या उसमें आश्चर्य है। जब दस दरवाजा खुले हैं और दस दरवाजा खुले पिंजड़े में पक्षी बैठा, यही आश्चर्य है, उड़ जाए तो क्या आश्चर्य है। इस टूटे शरीर को कब छोड़ करके हंस चला जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए सारा प्रमाद छोड़ करके सेवा भक्ति सत्संग साधना में लगो। सतगुरु कबीर कहते हैं, नर हरि लाग अय मनुष्य हरि में लग। हरि बाहर का हरि सदगुरु है, उसकी शरण में लग। विराट रूप में हरि ये प्राणियों का समूह है, इसको भगवत स्वरूप समझ, सबके साथ विनम्रता का बर्ताव कर। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र कुछ नहीं, मानव मात्र से प्रेम और प्राणी मात्र पर करुणा, मानव के अलावा भी प्राणियों पर करुणा, ये विराट पुरुष भगवान है। अवंत में अपने आत्मा में लगो। नर हरि लाग दो विकार बिन इंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माह पषाण को पानी माह अग्न को अंकुर जरत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नौनारी युक्त न काहू जानी। शहर जरे पहरु सुख सोए कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे बस्त निजुबरे बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले क लागा पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहत असादा। जान बुझ जो कपट करत है तेह संबंध न कोई, काहें कबीर तेह मूढ़ को भला कवन विधि हुई। इस पूरे विस्तृत शब्द में सार यही है कि आप इस अपनी अंदर की दावाग्नि को बुझाओ। आप शुद्ध स्वरूप हो, आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो जरूर, लेकिन स्वरूपता नहीं हो, भ्रम से हो। आपका स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह से बिल्कुल परे निर्मल है, आप भूल करते हो, उसको जीत सकते हो। जीतो, भक्ति सत्संग सेवा साधना में लगो, जीतो और कल्याण करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।